प्रार्थना की महान सेविका बनने के लिए हम स्तुति करेंगे। मुझे परमेश्वर उपयोग किए, परमेश्वर मेरी बहन को भी उपयोग करेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। नंदी के लिए जीव काफी नहीं, ऐसी बातें करने के लिए भी हम योग्य नहीं है। आपके अनुग्रह हमें संभालती है, इसलिए हम वेदी में आकर खड़े हैं। हमसे नहीं होगा। हे परमेश्वर, अभी कितना दूर पे लगातार प्रभु के लोग दूर से आए हैं। आए हुए सभी के हृदय की चाहत को परमेश्वर पूरा करकर आशीष जरूर करेंगे। अभी हमें नहीं बातें करना है, आप ही कोई बातें करना है। वचन ऊपर से आने दीजिए। मुझे आज बात करने के लिए मैं तैयार भी नहीं हूँ। आप ही को मुझे तैयार करना है। हम पिता के घर में आए हैं। हमारे सभी बोझ को आपके चरणों पर रखने के लिए आए हैं। आप ही मुझे पूछताछ करने वाले हैं। आप ही केवल एक हमें तसल्ली देने वाला है। देखिए आपका प्रेम कितना महान है। ए प्रभु, हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आपकी दया के लिए धन्यवाद। हमें छुपा कर आप बातें कीजिए। यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं। फिर से आप सभी को यीशु मसीह के नाम से बधाई। परमेश्वर मेरे साथ लगातार गीत के द्वारा बातें करते हैं। कितना भी बड़ा समस्या होने दीजिए, वो दूर धूप के समान हो जाता है। देखिए पवित्र शास्त्र में कई प्रार्थनाएं हैं। कुछ मिनट हम प्रार्थना के बारे में और हमारे बारे में जांचेंगे। बीसवा भजन संगीता पहला और दूसरा वचन। உலகம்
वार्ता ये बड़ा वल्लमी उल्ला वार्ता है। देखिए वचन कितना सामर्थ्य से बड़ा है, संसार के जैसा नहीं है। आपत्ति नाले करते मुमद जबते केर पारा है। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। दाऊद सुन रहा है ऐसा भजन संगीता वाला दाऊद कहता है। देखिए हम नहीं जानते हैं कि कौन सा पल हमारे पास आपत्ति आएगी। आपत्ति संकट रहेगा। आपत्ति मात्र आपत्ति केवल अपने जीवन के लिए सिर्फ संकट नहीं, शरीर आपत्ति। देखिए हमारे सोच हमारे विचार और हमारे शरीर के लिए भी संकट आती है। देखिए हमारे अंदर बहुत अपनापन है। इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए कि जो कोई हमारे विरुद्धता में बातें करते हैं। देखिए प्रश्न पूछने के लिए भूल गई। पहला हफ्ता कौन सा प्रचार किए थे वचन? देखिए इज़राइल तो मुझसे बोला नहीं जाएगा करके कई वचन हम देखे है। मुख्य उसमें आई एम किसके बारे में प्रचार किया गया था? देखिए पवित्र शास्त्र कहती है कि जो क्षमा करते हैं वो परमेश्वर की ज्ञान है। देखिए कौन कौन को परमेश्वर क्षमा किया? हम सबको परमेश्वर ने क्षमा किया है। ये सब बातें कहने लगी तो प्रचार वचन कहने के लिए समय नहीं काफी रहेगा। जो कुछ उन्हें जो कुछ उन्हें क्रूस पर चढ़ाए थे उन सभी को क्षमा मांगे थे पिता की ओर से। देखिए हमें परमेश्वर किसके लिए बुलाएंगे? कई वचन को हम देखे पिछले हफ्ते भी हम देखे थे। पिछले हफ्ते कौन सा वचन सुने? कई वचन हम सुनते हैं वो हवा के साथ ऐसी चली गई क्या नहीं मालूम। देखिए परमेश्वर जैसा हमें क्षमा करते हैं उनके पद चिन्हों में चलने के लिए हमें बुलाया गया है। देखिए वो जो क्रूस में चढ़ा गया था यीशु के बगल में उनके हड्डियों को सब तोड़ दिए। परमेश्वर तो मर गए। देखिए फिर भी वो सैनिक को ऐसे छोड़ने के लिए दिल नहीं चाहा। उनके बदन में वो छेद पहुंचता है। वहाँ से क्या निकला? पानी और खून निकला। देखिए उनके लहू हमारे पापों को क्षमा करती है और हमारे बीमारियों को चंगा करती है। जीवन आदि परिशुद्धता भी और पानी वो जीवन है और पवित्र आत्मा भी है। परिशुद्धता भी हमारी प्यास को मिटाने वाले ही पवित्र आत्मा है। जो उन्हें परमेश्वर को चेत पहुँचाया था उसके नाम याद रखा है का? सैनिक ही उनके बंधन में छेद पहुंचाता है। उनकी आंखों में कुछ कमजोरी था। परमेश्वर की उस पानी और लघु उनकी आंखों में आते ही वो चंगा हो गया। नोकी पार्ता पवित्र शास्त्र में कई वचन कहता है उन्हें जो भी मारे थे वो उनकी ओर देखने लगे। नोकी पार्ते ने चेना साक्षी स्वर्ग उनकी ओर देखकर वो उनकी गवाह बन गए। देखिए उनकी आंख में जो बीमारी थी वो चंगा हो गया। गवाही बोलने लगा कि सचमुच परमेश्वर का बेटा है।
कहने के लिए सही भी जुल में मैं आज का वचन नहीं कहती हूँ, उस दिन का वचन कहती हूँ पर मैं अमीर मनाला नीतिमान पटेल परिशुद्धवान आगे अमीर रत्न सच्चे मरकर वो खरी दिन जीकर पवित्र मनुष्य के पट्टी पर आकर वो फिर उमर मर गया नम और आंडवे मनिपे हम सबको परमेश्वर की क्षमा को पाते ही रहना है उसके लिए वचन कहती है एब्रोनियो 14 अध्याय अंतिम दोनों वचन क्योंकि हमारे ऐसे महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके वरना वह सब बातों में हमारे समान परका तो गया निष्पाप प्रधान या महायाजक है और एक प्रश्न पूछने वाली हूँ मोदल वारा पैसन बोले रेंड बेरा पैची ग्लास ले समय पहले हफ्ते बातें करने समय दो व्यक्ति के बारे में अंतिम में कही यार ये रकम बेचा गए यार ये रकम बेचा गए जो दया पाया और जो दया नहीं पाया यार चले नहीं ला काबी दिनों ने रेंड चले काबी ले काबी इसलिए ये रकम बेचा दे रही है हमारी दोष के लिए हमें चिंता नहीं होना चाहिए देखिए नीचे देखिए कि निकट या बांधकर चले कि हम पर दया हो के लिए उनके निकट जा पहुँचे जब बनना देखिए हमारी सभी कार्य को हमें प्रार्थना करना चाहिए दाऊद प्रार्थना की दया को पाए वो निर्दोष को निर्दोष नहीं ठहराएगा लेकिन वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरने पोतों और परदादों से भी निकले देने वाला है இப்ப பிதார் குடும்ப அக்கிரம பிள்ளைகள் கிடைச்சா அவங்க கிருபாசன தண்டையில போய் ஜெபம் பண்ண அது வாரு देखिए पिता की क्षमा उनके पोतों को दंड मिलता है लेकिन वह परमेश्वर के निकट आकर क्षमा मांगे तो उनको क्षमा मिल जाएगा ஆனா சவுல் வந்து அவர் செய்த குற்றத்தை உணரவும் இல்ல அத கேர் பண்ணவும் இல்ல देखिए सौल राजा अपने पाप को उसने महसूस नहीं किया और उसे चेतावनी के साथ भी नहीं लिया और कुछ भी नाम होना रहा न्याय पड़ते कुछ ना नल्लुदा सिंजे न्याय पड़ते भी कुछ हमें उसे न्याय नहीं ठहराना चाहिए कि जो भी हम पाप करते हैं उसे कबूल कर क्षमा मांगना चाहिए वो परमेश्वर उसे जानता है हालेलुया 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 இப்ப ஜெபத்தை நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் தடைகள் இருந்தாலும் देखिए हमारे जिंदगी में कितना भी समस्या होने दीजिए संकट होने दीजिए प्रार्थना उसे
निकालेगी। तो दामी भी चल रहा है। देखिए अब दाऊद कहता है वो अपने पास ही अपना आत्मा के साथ बातें करता है। संकट के दिनों में यहोवा तेरी प्रार्थना को सुनेगा। नाम उमक उयर्ந்த எவ்வளவு பாக்கியவான்கள் நாம। देखिए हम कितने धनी है याकूब हमारी याकूब की हमारी परमेश्वर हमारा गढ़ है। அவருடைய நாமம் நமக்கு என்னதா இருக்குது உயர்ந்த நம்ம கவலைப்பட கூடாது। देखिए उनका नाम हमारे लिए बहुत महान है। சூழ்நிலை அப்படிதான் கடினமா இருக்கும். देखिए हमारी परिस्थिति ऐसी कठिन रहती है। ஆண்டவர் எப்படி சகிச்சார் அப்படி நம்ம சகிக்கணும். परमेश्वर जैसा सहन किए उसी समान हमें भी सहन करना चाहिए। नानो नींगलो अवर पोले इरुक्क विरुम्बुगिरारु। परमेश्वर चाहता है कि हम भी उनकी समान हो जाए। इवरुडैय अरिके पारुंगा देखिए ये कैसा कबूल करते हैं। परिशुद्ध स्थलத்தில் இருந்து உமக்கு உத்தாசையென்று वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। सियोन இன்னும் உம்மை ஆதரிப்பாராக और सियोन से तुझे संभाल ले। हम तो विश्वासी है जो अभिषेक पाया हुआ विश्वासी है। संगीत इस भजन संगीता से हम क्या सीख लेते हैं। मार्क उ इस भजन संगीता में परमेश्वर की नाम नमक उयर हमारे लिए ऊंचे स्थान है। देखिए वो सियोन से हमारी ओर परिशुद्ध स्थल पवित्र स्थान से सहायता को बेच कर सियोन आदर पाता सियोन से हमें संभालता है। अलेलुया। देखिए हमारे लिए बहुत कठिन परिस्थितियाँ आती है। जब मोबाइल सिले रे इस वचन संगीता में कहते हैं कि किसी को रथों का सातवां वचन सिले रे कुम सिले कुदरे कुम पारा देवनागे कत्तुडे नामते कुरिते मेन में पारा वे तो झुक गए और गिर पड़े। उनके धन उनके पैसा उनके बल उनके रिश्तेदार देखिए कई कार्यों को महान जताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हम महान कार्य जताते हैं। देखिए किसके लिए उदार आएगी उदय देखिए सभी के लिए सहायता आती है। देखिए केवल इस संसार की बातों को पूछ कर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जैसा कोई नहीं है पश्चाताप करने वाला। हमें हमारे लिए सोचने की बात यह है कि अंतिम दिन हमारे जीवन को शांति के साथ परमेश्वर की हाथों पे सौंपना चाहिए। साऊल मरण देखिए सोल राजा अपने अंतिम समय में वो बहुत डर निकला उनको। दामी तो मरण नेरतले आंडर पची सोली पिल्लगे सालमन को सोली गुड़ते। देखिए दाविद राजा उनके अंतिम दिनों में परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को देख कर बोल कर राजा वाकी आशीर्वाद राजा होकर और आशीष किए। इन्हें कि नाम है वो ओल्ड रिलर बड़ा आना लो नमल के नम्बर मोड़ी काल तक कुरीत ये ना ना ये ना को उंगल को मैं। देखिए सभी में से मैं ही बुजुर्ग व्यक्ति हूँ लेकिन मुझे और आपको हमारे अंतिम जीवन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। देखिए हमारे शरीर में हम बहुत कुछ सोच सकते हैं लेकिन मैं और आप उसके लिए नहीं बुलाए गए। हम आत्मा में बदल जाने के लिए देखिए दाऊद राजा को दंड मिला परमेश्वर उनके बारे में कहा कि लगातार तेरे कर पर तलवार होगी।
लेकिन उसने वापस क्या उत्तर दिया? और आटगुटी कह रहा है नाल आटगुटी कुछ पड़ा उसने। दाऊद कुछ कहने लगा कि एक मेमना के लिए वो चार मेमना को देना पड़ेगा। अब नाल करें ऐसे तो इंदिरा रहते हैं। इसके लिए उसे मोल चुकाना पड़ा। हमें जेबी के नंबर खड़ा आंखों में। हमें प्रार्थना करने वाले प्रमाणिक के लिए देव ने प्रिय पड़ते ग्रवर्गलाकों और चाल चलन में परमेश्वर को प्रिय करने वाले हमें सोंद कुटुंबता कटी 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 ओड़च कोटरगा हमारे खुद के परिवार को बांध बांध कर उसे तोड़ना नहीं चाहिए। कटुओं पर इडीपो नमले इडीपो देखिए हम खुद बांधेंगे और हम खुद उसे तोड़ भी डालते हैं। मैं लगातार बिछौने में इसके बारे में सोचती हूँ। ना आंडवर की नंदी सुन में मैं परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाती हूँ। यंगियो इन्दे यंगिया में बड़ी पढ़ कर दे बंदे योशन सुन डाला कि ये निकालना ना और उनके आनंद ये बड़ा पेरिये कहाँ तो मैंने मैं थी परमेश्वर मुझे प्रकटीकरण देकर और दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए परमेश्वर मुझे चुन लिया। आयुर्वे सभी भी वैसे ही है। आपको अपनापन को धारण करना चाहिए। देखिए हमारी अंतिम शांति के साथ जाना चाहिए। देखिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अपने जिंदगी में उत्तर चढ़ाव आ सकती है लेकिन पवित्र लोगों की मृत्यु बहुत अच्छा है। देखिए उद्धार जो भी प्रार्थना करता है उन्हीं को मिलता है। देखिए उनके नाम के पास घमंड करने वालों को कितनी आशीष मिलता है। उसे उसके बारे में बोलने के लिए आज समय काफी नहीं है। हम सब जानते हैं सब वचनों को। नाम प्रणाली संगीतम भजन संगीता 40वां अध्याय 1-2-3 பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்த்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார். பயங்கரமான குழியிலும் உடையான சேற்றிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தி இப்போ இதுல அவர் சொல்றாரு இப்ப ஜெபம் நம்ம பண்ணிட்டோம் எனக்குலாம் பண்ணின உடனே கையில வந்துடும். मुझे ऐसी है कि प्रार्थना करते ही तुरंत मुझे हाथों में मिलना चाहिए। वैसे मैं जिंदगी को जीती हूँ जी हूँ। देखिए अब इसमें क्या लिखा है देखिए इस वचन में क्या लिखा है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता हूँ। वैसे बाट जोते समय क्या होता है मेरी परमेश्वर मेरे ओर झुककर मेरी दुहाई को सुनता है। देखिए हर एक वचन को देखते समय कितना मधुर और मीठा है। इसके लिए दाऊद कहा कि मद से भी साफ किया हुए मद है अब परमेश्वर का वचन। मैं सोची थी कि 3 बजे तक तीनों भजन संगीता के बारे में बातें समय बेटे बहुत समय बीत गया। देखिए ये दाऊद परमेश्वर की ओर धीरज के साथ बाट जो देवन नम वाय और परमेश्वर कान लगाकर झुक कर दुहाई सुनता है। इतना महान परमेश्वर देखिए कई संपत्ति के लोग धनी लोग हो सकते हैं हम जिन्हें महान सोचते हैं वो हमारे पास आकर कान लगाकर हमारी बातें सुनेंगे तो कैसा लगेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्योंकि मैंने धीरज से यहोवा की बाट जोहा इसलिए उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। कई वचन को बोलता है कि परमेश्वर उन्हें उन्हें गाने के लिए मुझे गीत दिया है करकर उसे देखकर डर कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने लगे। नाम यार नौकरी करो देखिए हमारी नजर किसकी ओर होना चाहिए। अहंकारी ना अहंकारी कोई सामने
देखिए चौथा वचन ऐसा लिखा है कि अभिमानियों और मिथ्याए की ओर मुड़ने वालों क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर ही भरोसा करता है। पहले हम देखे कि संकट के समय में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। देखिए हमें डरने के लिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर की नाम हमारे लिए ऊंचा स्थान है। इस संसार की जीवन को महान ना सोचते हुए आंदोड़े नाम ते नाम उठते रहेंगे। परमेश्वर के नाम को ही हमें ऊंचा करना है। नाम ते लेंगे ना क्रांति को उस नाम से हमारे लिए उद्धार आएगी। आड़ते वस्त्र में आड़ते संगीत में हम पाते दूसरा वचन संगीता में हमने देखे करता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता हूँ। देखिए कई महान धनी लोग अहंकारी हो सकते हैं और झूठ के साथ ले सकते हैं। देखिए झूठ माने बहुत कार्य है उसमें धन है और जो भी परमेश्वर का कार्य नहीं है वो भी झूठा कार्य है। इस संसार के कार्य में सफल होने के लिए मनुष्य को न देखते हुए परमेश्वर को ही देखना है। जो परमेश्वर को ही भरोसा रखता है वो धनी है। நம்ம பிள்ளைகள் காரியத்திலும் கணவர் காரியத்திலும் நம்ம வீட்டு காரியங்களையும் அவரை நம்பி இருக்கும் போது நம்ம பாக்கியவான் பட்டியல வரோம். हमारे बच्चों के कार्य में हमारे पति के कार्य में हमारे घर के कार्य में केवल भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखेंगे तो हम धनी है। देखिए केवल प्रार्थना भी नहीं करता है स्तुति भी चढ़ाता है। परमेश्वर बहुत से काम किया है जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है और बहुत सी है। लेकिन उसके आश्चर्य कर्म कितना महान है वो गिनती में नहीं आएगा। देखिए हम कितना धनी है धन्य है। और दूसरा भजन संगीता 65 भजन संगीता
जो भी हम प्रार्थना करने वाले हमारे अधर्म पाप हम यदि भूल जाएंगे तो परमेश्वर के पास प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर मेरे अधर्म को याद दिलाकर मुझे क्षमा करना के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। देखिए हम कितना महान धन्य लोग हैं। सिमसोन एक अच्छी तरह से महान तौर पर जन्म लिया। वो पराक्रमशाली था। देखिए परमेश्वर उनके बारे में कहा हुआ मन्नत को उसने तोड़ डाला तभी वो बलहीनता हो गया। देखिए वचन जो कार्य कहती है वह मन्नत के समान है। देखिए हम तीन भजन संगीता को देखे थे। प्रार्थना को सुनने वाला विनपत हमारी विनतियों को उत्तर देता है। हमें तो धीरज से बांट छोड़ना है। नाम तो उयर्तनो हम उनके नाम को महान करना चाहिए। हम तो खड़े रहेंगे देखिए हमारे अधर्म कितना भी होने दीजिए परमेश्वर उन्हें कापूस के समान बदलेंगे। देखिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है विजयी पवित्र मनुष्य हर एक कार्य में विजय पाना है। सहोद भाईचारा का प्रेम हम पर ठहरना चाहिए। देखिए मैं यहाँ कही थी क्या दूसरी जगह कही मुझे मालूम नहीं। संभाषण पढ़ना। देखिए दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं। देखिए एक तो निर्दोष था दूसरा दोषी था। रेंडमे क्रिस्तवंगा दोनों भी मसीह के लोग हैं। कुटुम पढ़ना देखिए दो जोश का दो गलत किया था वो मसीह का ही था। कुछ दिन बीत गया देखिए वचन को जो जाना हुआ व्यक्ति वो कुछ भी गलत नहीं किया। वो जो गलत नहीं किया वो दूसरे के साथ मेल मिलाप किया और क्षमा मांगा। देखिए वो वचन को न जानता हुआ था लेकिन उसके हृदय में परमेश्वर का प्रमाण था। वो दूसरे व्यक्ति कहने लगा कि मुझे ही क्षमा मांगना था। क्षमा पूछना क्षमा मांगना वो परमेश्वर की ज्ञान है। पवित्र शास्त्र हमारे बारे में लिखा है कि हम विजयी लोग हैं। उसी को परमेश्वर भी चाहते है। देखिए ऐसा हम विजय होंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। हम कैसे रहेंगे हम तो उड़ेंगे। अभिषेक नरे नरे अभिषेक बढ़ते बढ़ते हम उड़ेंगे। ऐसे कार्य हम करेंगे तो केवल संसार में नहीं हमारे लिए कानान देश भी है। கர்த்தர் தாங்க நம்ம ஒவ்வொரு செய்த காரியங்கள் மற்றவங்களுக்கு நக்கிரியை செய்தது தானே நமக்கு முன்குறித்திருக்கிறாரு. இன்னைக்கு பரமேஸ்வர் நம்ம இஸ்கிலே சுனாய கி பலே காரிய கர்மி கிலியே. சரி இன்னொரு கேள்வி நம்ம போன வாரம் நக்கிரியை செய்திருக்கிறதுக்கு வசனம் ஞாபகம் இருக்கு. பிச்சிலே ஹப்தே ஜோ வச்சன் வே கஹாதே உஸ்கே லிய பலாய் காரிய கா வச்சன் செய்தியான. ராதா மேம் நீங்க சரிங்களா அவர் நம்மை சகல அக்கிரமங்களில் இருந்து மீட்டுக் கொண்டு தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் நற்கிரியைகளை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படி நமக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார். எதுக்கு
क्यों हमारे लिए परमेश्वर खुद को सौंप दिया अवरे जीवन कुड़ता देखिए जिससे अपने आप को हमारे लिए क्यों दिया था मुझे और आपको भले कर्म करने के लिए देखिए हमारी धन स्वर्ग राज में रखना चाहिए इकट्ठा करना चाहिए मनुष्य को देखने द्वारा हमारे कार्य नहीं होना चाहिए उसके लिए भी वचन है हम सबको सभी कार्य में परमेश्वर की नजरों में अच्छे होना चाहिए वो कलोशी में है वैसे रहेंगे तो हमारी इनाम स्वर्ग राज में महान होगा जब देखिए हम प्रार्थना के बारे में सुने हैं कि हमें गुप्त में प्रार्थना करना है हमें दान को भी गुप्त में देना चाहिए कर कर देखिए परमेश्वर ऐसे चुप बैठे देखिए हम गुप्त कार्य गुप्त में करते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या इपड़ी नम उयर्ताम सूमा देखिए हम अपने आप को महान न करते समय परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ेंगे हमें उधर आंदोलन देखिए जो गुप्त में परमेश्वर को प्रार्थना और दान देते हैं परमेश्वर ने सबके सामने आशीष देंगे देखिए हम संसार में हमें गुप्त नहीं रहना होगा नल्ल क्रियेगल तेरियाम तेरियाम चेंजोना नम अरंजिरपोमा देखिए हम गुप्त में रहकर अच्छे कर्मों को करेंगे तो हम तो संसार के लोगों के सामने आ जाएंगे नम क्रियेगलिन वासने एप्पोम देखिए हमारे अच्छे कर्म की सुगंध सभी जगह फैलेगी वही उस सुगंध को हमारे अंदर निवास कर कर सभी को प्रकट करना है वसन चलो बड़ी माँ इसके लिए कोई वचन बता सकते हैं क्या यस ओमली ये थोड़ा रेंड बार कर चुके हैं ये ला अलग है हम परमेश्वर के लिए गुप्त कार्य अच्छे कर्म करेंगे तो हम गुप्त में ही नहीं रहने चाहेंगे वो उसे प्रकट करता है रात्रि बस इन वासन मिसना हम सब चाहते हैं कि जब अंधेरे में हम यात्रा करते हैं अच्छी सुगंध
फूलों में से निकल आती है दिखे वो अंधकार में छुपा है वो अपने आप को प्रकट नहीं करती है लेकिन उसकी सुगंध सब जगह फैलती है क्योंकि हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैंने उसके लिए ऐसा किया इसके लिए वैसा किया ऐसे कभी भी सोच में न रखिए देखिए हमारे स्वर्गीय पिता हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे देखिए वो सुगंध फैलने वाली फूल अपने आप को उसने प्रकट नहीं किया लेकिन उसके सुगंध हमें उसकी ओर खींचती है देखिए किसकी जिंदगी पर है हमारे बारे में नहीं हमें उसी के समान चलना चाहिए देखिए यीशु मसीह की जिंदगी में ये सुगंध थी वो अपने आप को बढ़ोती करना वो नहीं पसंद करते उपवास 40 दिन उपवास पकड़े थे टाइम बोलते देखिए कहाँ थे रेगिस्तान में थे कोई लोग नहीं जाने लेकिन पवित्र आत्मा उनके बारे में लिखे रखा है जब मैंने एंगो बना रहे देखिए प्रार्थना करने के लिए कहाँ गए पहाड़ों पर गए वो कोई व्यक्ति नहीं जानता केवल चेले जानते थे कई गरीब व्यक्तियों को उसने दान दिया कोई नहीं जानते योहन्ना 3:29 साधारण योवन मनवाटी उड़ियवने मनवालन मनवालन सारी 13:29 योवन 13:29 அவன் போய் பண்டிகைக்கு தேவையானவர்களை கொள்ளுபடிக்காவது இந்த பணப்பை வச்சிருக்கிறதுனால அதன் மூலமா எல்லாமே செய்யப்படுது பைசைக்கு தள்ளி ரக்கா தான் उनकी द्वारा सब कार्य हो रहा था அவர் மக்களை சுகப்படுத்தும்போது அவர் என்ன சொன்னாரு देखिए वो விமானிட்டார் இது யாருக்கும் என்ன செய்யாத அறிவிக்காத ஆசாரியருக்கு மட்டும் அறிவி परमेश्वर बीमारियों को चंगा करते समय ये डांटे कि ये किसी को नहीं बताना केवल याचक को बताना அவர் மறைஞ்சிருக்க முடிஞ்சதா देखिए उन्हें चुप में चुप रहने मिला क्या और देखिए थी इनको पर उनके अच्छे कर्म का बहुत जहां फैल गई हालेलुया கீர்த்தி பரவினதே இல்ல குறைந்து போகல உங்க மகான் காரிய சப் திசாமே ஃபேலி லேக்கின் கம் நஹி ஹுயி இது நிறைய வசனத்துக்கு சொல்ல முடியாது இப்ப நம்மள பாட்டி என்ன சொன்னாரு மூன்று காரியங்கள் யாரா சொல்ல முடியுமா தேக்கி ஹமாரி பாரே மே பரமேஸ்வர் ஹமே தேக்க தீன் காரிய கரே கே கே கரே தே மூன்று காரியங்கள் நம்மள பத்தி சொன்னாரு நிறைய காரிய இருக்குது நீங்க உங்ககிட்ட எல்லாம் யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தா எனக்கு வேறு நேரம் நீங்க உலகத்துக்கு சரி அது ஆப் சன்சார் கி உஜியாலா ஹோ ஆப் சன்சார் கி லிய நமா ஹோ பஹாட் பர் ரக்கே ஹுயி ஷஹர் நம்மள பார் சுப்பேகி நம்ம பார்த்து நீங்க உலகத்துக்கு हमें देखकर परमेश्वर कहते हैं कि आप संसार के लिए नमक है आना कुछ चिंदी पों इसके बारे में थोड़ा सोचिए चापाट ले ऊपर अधिक मायत में हम चापड़ा मुड़ी मा देखिए भोजन में यदि नमक ज्यादा हो जाएगा तो उसे खा ले खाने के लिए होगा ऊपर नल्ला दुदा देखिए नमक अच्छे कार्य अधिक मायत में आधु वेरा आधु दा सारा में तो बना उन्नु का यदि नमक अपने नमकीन के स्वाद को खो बैठेगा तो किसी काम के लिए लायक नहीं है चापाट क्या उप एंग देखिए भोजन में नमक कहाँ है छुपा है अब अंदर मरंज रखो उप कूड़ना देखिए वो छुपा हुआ चापाट क्या है नो यदि ज्यादा हो जाते तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते ऊपर का ना पेड़ बनना नो यूज और हम यदि नमक हो सकते हैं लेकिन अपने आप को घमंड करेंगे तो नो यूज उसकी कुछ लायक लाभदायक नहीं है आपको संसार की ज्योति हमें कबूल करना है कि मैं संसार के लिए ज्योति हूँ देखिए अंधकार में ज्योति
अंधकार में ज्योति है तो बोलती है कि मैं ज्योति हूँ, ज्योति होकर वो सभी जगह फैलेगी और उसकी रोशनी सभी जगह जाएगी। वो कलिशा के जैसे मेल बजाती है क्या? नहीं, अगले हफ्ते में तीन बीता हुआ हफ्तों के बारे में वचन पूछूंगी। नाम उलको हम ये संसार के लिए ज्योति है। चर्च पे अड़के मारे सतम पोड़ा मुड़िया चर्च के कलिशा में जैसे बेल बजाते वैसा मैं ज्योति हूँ, ज्योति कर बोल सकते हैं क्या? नहीं, सतम पोटा देने दे फिर मैं वैसे बताएंगे तो उनके अंदर क्या है? घमंड है, वो छुपेगी भी नहीं। नम मरेना देखिए, गुप्त में रहकर यदि हम उजियालो को फैलेंगे तो हम गुप्त में रह जाएंगे क्या? नहीं, देखिए पूरे रात भर अंधकार पर वो ज्योति फैलती है, फिर वो अपने बारे में आवाज नहीं देती है। फिनिश टाइम। मलये पटना मरे माता जो शहर पहाड़ में है वो न छुपेगी। नानू नींद मले मेल पटना मैं और आप पहाड़ में रहने वाले यार किसे निकल का हो कर पूरा पूरा शैतान घूम फिरता है। देखिए वह शहर पहाड़ पर ऊंचे स्थान पर है और दूर दूर तक उसकी नजर जाती है। दूर दूर माइल तक वो उस शहर दिखाई देती है लेकिन वो चुप रहती है वहाँ। उनके चेले उनके भाइयों परमेश्वर को देखकर कहने लगे योहन्ना 7:4 प्रसिद्ध होना है। देवन दे विरुपम मरेंगे सेवेदे। देखिए परमेश्वर की योजना है गुप्त में रहकर अच्छे कर्म करना। नमे एवलो वाक्य वांगे। देखिए हम कितने धन्य है। तन्ने तान पुगलगिरवन उत्तमन अल्ल। देखिए अपने आप को बढ़ोती करने वाला पुगला पड़गिरवन मूर्ख है और जो भी परमेश्वर की ओर से महान कार्य करता है वो ही महान है। दूसरा कुरिन्थियों 10:18 क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। इसे लिख कर इसे याद कर कर मनन भी करना है। देखिए हमारे अच्छे कर्म सुगंध फैलाएगी। हालेलुया हालेलुया। மறைந்து செய்கிறதுனால அது வெளிப்படாம போகாது। देखिए गुप्त में करने वाला वो प्रसिद्ध होगा ही, वो नहीं छुपेगा। அப்ப நம்ம யார் நம்ம ஜெபமண்ணா அவர் கேட்பாரு। देखिए हम कौन है, हम प्रार्थना करते वो सुनेंगे। இமே காரண எல்லாம் நிறைஞ்சிருந்தோனே நம்ம பரலோகத்துக்கு போவோம் நம்ப முடியாது। इस संसार में हम बहुत धन के साथ है, हमने सोचना चाहिए कि हम स्वर्ग राज में जाएंगे। जब हम पाप अरके जो भी प्रार्थना करते हैं वो अपने पापों को कबूल करना है परमेश्वर के पास। परमेश्वर की नाम को ऊंचाई करना चाहिए। देखिए उनके नाम ही हमारे लिए ऊंचे स्थान होना चाहिए। हमें जबी के नाम पुरमियोड खातिर करो। देखिए जो प्रार्थना करने वाले हम धीरज के साथ परमेश्वर के पास बाट लेना है। हम जबत अवर के पर एपड़ी पटंगला अंदर हम जबत अवर के पर कैसे भी व्यक्ति होने दीजिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। आदु मुख्य मिला वो आयम नहीं है। नमक ये नरेंगे आशीर्वाद चोलिए करें। देखिए हमारे लिए बहुत आशीष को परमेश्वर कहा है। नमक यारे
उपार्वम आज हम कौन है, कई वचन को हमारे लिए परमेश्वर कहा है, हम नमक है, हम ज्योति है, माने में पटन मार्ग हम पहाड़ में रहने वाले शहर है, लेकिन हमें इन्हें चाहिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें छुप के गुप्त में रहना चाहिए, हम गुप्त में रहेंगे तो भी परमेश्वर हमें ढूंढ कर निकालेंगे, हम धन्य है, हमारी चाल चलन में केवल परमेश्वर की नाम की ऊंचाई करना चाहिए, हमारे झुंड के परिवार में परमेश्वर की सुगंध हमारी सुगंध फैलना चाहिए, कलीसिया की जिंदगी में भी हमारी सुगंध फैलना चाहिए, हमारी जिंदगी उजियालों को फैलाना है, अपनी बेटा कृपया वैसे अनुग्रह को परमेश्वर देंगे।